स्टूडेंट्स डॉक्टर भावना अगेन फ्रॉम यूपीएस मोहनपुर। द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 5 अक्टूबर से 11। आइए, कल हमने यातायात के चिन्ह पढ़े थे और आज हम इसमें कुछ नई चीज़ें आगे पढ़ते हैं। सड़क यातायात चिन्ह, सबसे पहले ये ट्रैफिक सिग्नल्स को देखेंगे, लाइट को। देखिए, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड आपको स्टॉप, रुकने के लिए, येलो स्टार्ट एंड गो। इसमें एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ट्रैफिक लाइट्स यूजुअली चेंज इन दिस ऑर्डर, रेड, येलो एंड ग्रीन। ये इस ऑर्डर से ही आपको लाइट मिलेगी। सबसे पहले रेड, स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए, येलो स्टार्ट एंड ग्रीन गो, और हरे पे चलना है। रेड के बाद एकदम ग्रीन नहीं आ सकता, येलो को बीच में ज़रूर, इसी ही क्रम में ये लाइट जो है वो आपको मिलेगी। ये नहीं कि रेड के बाद आपको एकदम ग्रीन मिल जाए या ग्रीन के बाद आपको येलो मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये चित्र देखिए, बच्चा जो है वो इसको, जो ये सफ़ेद और काली धारियां सड़क पे होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जैसे कि जो जानवर ज़ेब्रा होता है उसके ऊपर ये काली और सफ़ेद धारियां होती हैं, उसी तरीके से सड़क पर ये धारियां बनाई जाती हैं चौराहे पे जब हम चलते हैं। तो हमेशा जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनको इसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क को पार करना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, क्रॉस द रोड ओनली ऑन ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हम लोग को सेफ्टी सेव्स क्लास 6 में एक लेसन भी लगा हुआ है, उसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में दिया है, एक बच्चे की कहानी है। ये देखिए, बच्चे लाइन में लगे हैं क्यू में, और उस पर लिखा भी हुआ, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। हमेशा लाइन पे खड़े हुए बस स्टॉप पे, यानी कि भीड़ भाड़ लगाएं और बच्चा आगे किसी तरीके से परेशान हो। While crossing the road, look to the right, then left, and then right again, and cross when the road is clear. जब भी आपको सड़क पार करनी है, पहले दाएं देखिए, फिर बाएं देखिए, फिर दाएं देखिए, और यदि सड़क खाली है तभी सड़क को क्रॉस कीजिए। तो आज हमने कुछ यातायात की और नए चीज़ों को सीखा है चिन्ह के हिसाब से, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।